हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज मैं एक नया प्रॉब्लम ले रहा हूं इलिप्स कंस्ट्रक्शन के लिए, जहां कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड यूज करनी है। प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है: Construct an ellipse when its major axis is 120 mm and minor axis is 80 mm using concentric circle method. तो डेटा में दो dimensions दिए, major axis हमें दी है, major axis is equal to 120 mm और minor axis directly दी है, minor axis is equal to 80 mm. और हमें इलिप्स ड्रॉ करना है यूजिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड मतलब जिसका सेंटर सेम है और सर्कल्स एक से ज्यादा है। तो यहां दो सर्कल्स हमें ड्रॉ करने हैं विथ सेम सेंटर। तो प्रोसेस क्या करते हैं, प्रोसीजर में सबसे पहले मैं मेजर एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसकी लेंथ है 120 mm। तो मेजर एक्सिस पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए ड्रॉ कर देते हैं। ये मेजर एक्सिस 120 mm और उसका सेंटर डिसाइड कर लेते हैं, ये सेंटर है। सेंटर इसलिए कि उस सेंटर से हमें माइनर एक्सिस 90 डिग्री पर ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने सेंटर लेके 90 डिग्री एंगल पर हमें माइनर एक्सिस ड्रॉ करनी है 80 mm। 80 mm मींस 40 mm ऊपर और 40 mm नीचे, वैसे करके हम माइनर एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ये गिवन डेटा है। तो 40 mm मींस ये 40 mm और 40 mm नीचे यहां तक। तो ये मेजर माइनर एक्सिस की लेंथ हो गई 80 mm और मेजर एक्सिस हमें दी है 120 mm। हमें पॉइंट्स दिखाने हैं सबसे पहले। तो मैं पॉइंट्स, ये मेजर एक्सिस जिसको हम कहेंगे ए बी, और ये हमारे दो पॉइंट्स सी और डी, और सेंटर जिसको हम कहेंगे ओ। इतना तो दिया है डेटा में। अभी करना क्या है, हमें दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले मेजर एक्सिस जो है हमारी वो डायमीटर बन जाए, वैसे एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है। मींस रेडियस कितनी होगी ओ से ए तक। तो ओ से ए तक की मैं रेडियस सेट कर लेता हूं, देखिए, और हम पहला सर्कल ड्रॉ कर दिया टेकिंग ए बी एस डायमीटर। अभी दूसरा सर्कल, तो माइनर एक्सिस को डायमीटर करके या माइनर एक्सिस को डायमीटर बना के हमने सेकंड सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। ये सेकंड सर्कल जहां माइनर एक्सिस हमारे लिए डायमीटर है। तो दो सर्कल्स जनरेट हो गए, एक मेजर एक्सिस में से और दूसरा माइनर एक्सिस में से। अभी दोनों सर्कल को इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करना है। मैं दोनों सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करता हूं। तो एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल डिसाइड कर देते हैं, 30 डिग्री 30 डिग्री, ये 30, देन 60, वैसे ये 120, ये 150। सिमिलरली अपोजिट साइड में 30, 60, ये 120। तो वैसे 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं दोनों सर्कल को। तो विथ लाइट पेंसिल
ई डिवीजन, फिर इसको एक्सटेंड कर देते हैं, वैसे ये दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, फिर ये दोनों पॉइंट्स और ये दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं पासिंग थ्रू दी सेंटर। तो ये 12 डिवीजन्स हमारे बन गए। अभी नंबरिंग कर देते हैं, कोई भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैं यहां से शुरुआत करता हूं। तो ये नंबर छोटे सर्कल के नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 12 पॉइंट्स। और सिमिलरली बड़े सर्कल में से भी 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 12 डिविजन्स हमने जनरेट कर दिए। अभी करना क्या है, जो छोटा सर्कल है उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और बड़ा सर्कल है उसमें से वर्टिकल लाइन। तो समझो कि मैं पहला पॉइंट लेता हूं 1, तो 1 में से मेजर एक्सिस को पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करेंगे, जैसे यहां 1, ये पैरेलल लाइन, और वर्ट जो बड़ा सर्कल है उस पॉइंट में से हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों का कोई जगह इंटरसेक्शन होगा। तो ये जो सबसे पहला पॉइंट हमारा मिला वो पॉइंट हमारे लिए P1 होगा, दिस पॉइंट इज P1। वैसे पॉइंट 2, तो 2 और 2 कहां मिलते हैं, 2 में से हॉरिजॉन्टल, ये 2 में से वर्टिकल, तो 2 में से वर्टिकल लाइन बना दो, ये 2 पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल लाइन कर दो एंड यू फाइंड आउट इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये पॉइंट जो मिला वो हमारे लिए P2। P3 ऑलरेडी ये है क्योंकि D पॉइंट एलिप्स पर ही है, तो इसको हम P3 कहेंगे। बात आती आगे 4 की, तो 4 में से हॉरिजॉन्टल, ये 4 में से वर्टिकल, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना चाहिए। तो 4 में से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 4 में से वर्टिकल लाइन, तो ये जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए P4। सिमिलरली P5, तो 5 में से छोटा सर्कल जो है उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ये 5 में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो और गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारे लिए P5। P6 मीन्स बी पॉइंट खुद एलिप्स पर है, मेजर एक्सिस वाला एंड पॉइंट, तो ये P6 हो गया। बात आगे करते हैं P7 की, तो 7 में से हॉरिजॉन्टल लाइन और ये 7 में से वर्टिकल लाइन, तो ये जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए P7। P8 के लिए, P8 में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, मीन्स ये 8 पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां जो मिला वो पॉइंट हमारा फाइंडिंग पॉइंट P8। आगे P9 तो खुद है सी वाला पॉइंट, क्योंकि माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट है, तो वो P9। P10 के लिए 10 में से हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो बड़ा सर्कल है उसका 10 पॉइंट जो है उसमें से वर्टिकल लाइन, तो ये पॉइंट मेरे लिए P10। 11 के लिए बड़ा सर्कल जो है 11, उसमें से मैंने वर्टिकल लाइन बनाई, छोटा सर्कल है उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट P11। और ये फाइनल पॉइंट जो है ए मेजर एक्सिस पर, वो हमारा P12।
तो 12 पॉइंट्स हमें मिल गए और ये 12 पॉइंट्स को हमें स्मूथ हैंड से, फ्री हैंड से ज्वाइन करना है। तो मैं ज्वाइन करके दिखाता हूँ, ये P12 से हर एक पॉइंट को स्मूथ कर्व से आपको ज्वाइन करना है। आप फ्रेंच कर्व भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ्री हैंड से ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, 12 पॉइंट्स को मैंने स्मूथ हैंड से ज्वाइन कर दिया और जो कर्व मिला वो हमारे लिए इलिप्स बन गया। इस मेथड को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड कहते हैं और बाद में हम दोनों डायमेंशंस दिखा देंगे। मेजर एक्सिस का जो डायमेंशन था उसको डायमेंशन लाइन ड्रॉ करके यहाँ शो कर देंगे। ये मेजर एक्सिस हमारी है 120 mm और माइनर एक्सिस भी शो कर देंगे। ये है 80 mm। सो नाउ द कर्व इज रेडी। आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आया है और सॉल्यूशन पसंद आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।